हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, नेस्ले इंडिया लिमिटेड की ओर से दिसंबर क्वार्टर की फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज के इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइस, कंपनी की ओर से थर्ड इंटरिम डिविडेंड को लेकर अपडेट आ चुका है। 7 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का कंपनी थर्ड इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है। 15 फरवरी 2024 रिकॉर्ड डेट रखा गया है। तो अब हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनांशियल रिजल्ट्स पर। और गाइस, हम लोग यहाँ पे देखिए आ चुके हैं रिजल्ट्स पर। थर्ड क्वार्टर 9100 का रिजल्ट आउट हो चुका है। एक्चुअली फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट है, क्योंकि इसका जो ऑडिट होता है दिसंबर में, ये जो इस कंपनी ऑडिट करता है फिनांशियल को, और नंबर मिलियंस में है। और अगर देखिए तो ये है क्वार्टर एंडेड का, और ये है और फिनांशियल ईयर एंडेड का। हम लोग क्वार्टर एंडेड को कवर करेंगे। इनकम है इस बार का डोमेस्टिक सेल्स, एक्सपोर्ट सेल्स और अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, अदर इनकम को ऐड करके इस बार का इनकम है 4630.7 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 55,070 करोड़ का, और दिसंबर 22 क्वार्टर में 4,286 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस व मटेरियल कॉस्ट में, स्टॉक इन ट्रेड के परचेज में, फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड के इन्वेंट्रीज में चेंज होना, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फिनांस कॉस्ट जिसमें इंक्लूड है इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान्स, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस, इंपेयरमेंट लॉस ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नेट प्रोविजन ऑफ फॉर कंटिजेंसीज और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंसिस, जो कि सभी का एक्सपेंस ऐड करके हुआ है 3,36,36.9 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 3,954 करोड़ का, दिसंबर 22 क्वार्टर में 3,427 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक्सपेंसेस डाउन तो है इनकम के अकॉर्डिंग, लेकिन ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया। एक्सेप्शनल आइटम्स में कंपनी को 107 करोड़ का चार्ज किया है, जो कि इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट 886 करोड़ का है। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे 656.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 908 करोड़ का, और दिसंबर 22 क्वार्टर में 628 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। EPS कंपनी का है इस बार का, हम लोग देखेंगे तो गाइस कंपनी का EPS 6.8 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। तो कंपनी का ओवरऑल रिजल्ट अगर देखा जाए ना, तो एवरेज उतना अच्छा रिजल्ट पेश नहीं किया, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इनकम में डाउन देखने को मिला है। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।